जिंदगी जीने का कुछ ऐसा अंदाज रखो जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज ही रखो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और बात करेंगे रफी साहब और विट्ठल भाई पटेल जी की। विट्ठल भाई पटेल 1970 के दशक में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया और रफी साहब के साथ बहुत बेहतरीन गाने दिए, काफ़ी अच्छा साथ रहा दोनों का। उन्होंने शुरुआत की फिल्मों में गीत लिखने से और एक गीतकार के तौर पर अपनी अलग ही पहचान बनाई और रफ़ी साहब के साथ उनका बहुत लगाव रहा। जब रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब विट्ठल भाई पटेल जी ने रफ़ी साहब के बारे में बहुत कुछ कहा और उनको दिल से याद किया। वो सारी बातें एक मैगज़ीन में प्रिंट हुई थी जिसका ये पेज आप देख रहे हैं। मेरे एक व्हाट्सएप फ्रेंड जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार जैन जी, उन्होंने मुझे ये फ़ोटो भेजा और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके सामने मैं इस बात को ला पा रहा हूँ। विट्ठल भाई पटेल जी ने कहा कि रफ़ी साहब की मौत का समाचार सुनकर लगा जैसे वीणा का कोई तार यकायक टूट गया हो। बचपन से लेकर आज तक जिस गायक के गीतों ने मन को मोह रखा था, आज लगा सप्तक का एक स्वर कहीं बेसुरा हो गया। रफ़ी साहब हर तरह के गीत गाने में बेमिसाल थे। उनकी सादगी, दया और विनम्रता के फिल्म जगत में किससे मशहूर थे। पिछले दिनों हम किसी से कम नहीं और इन दिनों सरगम के गीतों की लोकप्रियता ने रफ़ी साहब को फिल्म आकाश का ध्रुव तारा सिद्ध कर दिया था। पिछले दिनों उनके संदर्भ में बेहद सफल कार्यक्रम हुए और बहुत फेमस हुए वो सारे के सारे कार्यक्रम। उन्होंने आगे कहा कि आज से करीब 4 साल पहले मेरा पहला गीत रफ़ी साहब के साथ था जो कि शंकर जय किशन जी के म्यूज़िक में था और फिल्म का नाम था जुगल जोड़ी। दोस्तों इस जुगल जोड़ी फिल्म के गाने के बोल थे अपना गगन अपनी ज़मीन, जिसमें उनका साथ दिया था मन्ना डे जी ने। बहुत खूबसूरत गाना है ये। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर शारदा जी के संगीत में जहरीली के लिए रफ़ी साहब ने बहुत खूबसूरत गीत गाया जिसके बोल थे जवां समा जवां बहार चमन मुस्कुराए, जिसमें उनका साथ दिया था आरती मुखर्जी जी ने, उनके साथ गीत गाया था। और दोस्तों ये दोनों ही फिल्में जहरीली और जुगल जोड़ी 1977 में रिलीज हुई थी। उसके आगे विट्ठल भाई पटेल जी ने बताया कि पिछले महीने आरडी बर्मन जी के साथ मेरा गीत एक और आया रफ़ी साहब के साथ, फिल्म थी गहरा जख्म जो कि रिकॉर्ड हुआ और उस गाने के बोल थे चाल में माल लेके आया है सपनों को सच करने आया है। ये गीत रफ़ी साहब ने गाया था और इसमें उनके साथ उदित नारायण जी ने भी गाया था। दोस्तों उसके आगे विट्ठल भाई पटेल जी कहते हैं कि आज भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने घूम जाता है। और आगे उन्होंने बताया कि अभी 28 जुलाई को मैंने उषा खन्ना जी की नई फिल्म सिंदूर की सौगंध के लिए गीत लिखा है जो कि मुझे 12 अगस्त को रफ़ी साहब के आवाज़ में रिकॉर्ड करवाना था, लेकिन उनकी अचानक मौत की वजह से ये नहीं हो पाया। और दोस्तों उस गीत के बोल थे ये लाल जोड़ा पहनाऊंगा डोली में बिठाऊंगा, लेकिन दोस्तों जब रफ़ी साहब ही नहीं रहे तो वो गाना भी नहीं बन पाया और ये फिल्म भी मैंने बहुत सर्च की सिंदूर की सौगंध जो कि मुझे नहीं मिली। रिसर्च करने के बाद भी इस फिल्म का मुझे कोई अता पता नहीं मिला और ना ही इस गीत का डोली में बिठाऊंगा लाल जोड़ा पहनाऊंगा। उसके बाद उस लेख में लिखा हुआ था कि मुकेश जी के बाद रफ़ी साहब की मौत निश्चित ही फिल्म उद्योग के लिए आवाज़ की दुनिया की ऐसी खाई है जिसको आसानी से कभी पाटा नहीं जा सकता। अभी तो ऐसे हजारों गाने थे जो रफ़ी साहब की आवाज़ में ढलकर अमर होने वाले थे, लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। रफ़ी साहब जितना गा गए हैं हमारे लिए उतना बहुत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और प्रोग्राम में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।